या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संशिता नमत्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय की ओर चर्चा करें कि बेटे का विवाह होता है, हमारे घर में नई नवेली बहू का प्रवेश होता है, हमारे घर में बहुएं आती हैं, तो हमको क्या उन बहुओं के साथ में कार्य करने चाहिए, ये सास और ससुर को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि नवविवाहिता के साथ किस तरह के संबंधों को हमको और कैसे बना करके रखना है। सबसे पहले बात करें कि नववधु को अपने परिवार के रीति रिवाजों के विषय में आप समझाइए, जिससे वह आरंभ से ही अर्थात प्रारंभ से ही आपके अनुसार अपने आप को ढाल सकने का प्रयास करे। आपके घर में क्या रीति रिवाज होते हैं, ये जो दूसरी नवविवाहिता वधू आई है उसको क्या पता। आप जब उन उपायों को, उन विचारों को बताएंगे कि हमारे घर की यह रीति है, यह रिवाज है, तो वह बेटी, वह बहू इनको समझ पाएगी। दूसरा, यह सास का कर्तव्य होता है कि जो भी परेशानी, दुख या अन्य कोई कमी उसने अपने समय में महसूस की है, सास जो अपने जीवन में उसने कठिनाइयाँ देखी हैं, जो समस्याएं देखी हैं, जो विषम परिस्थितियां देखी हैं, जो अनुकूल या प्रतिकूल स्थान उसके जीवन में आए हैं, तो ये सब परेशानियां नववधू को न झेलनी पड़े, न उसके सामने ये समस्याएं आए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। किसी भी तरह की त्रुटि हो जाने पर, किसी भी तरह की गलती हो जाने पर, किसी भी तरह का दिक्कत हो जाने पर, कमी हो जाने पर नववधू को प्यार से समझाएं, डांटे नहीं। क्यों? क्योंकि जब प्यार से समझाएंगे तो उसकी समझ में आ जाएगा। डांटने से संबंधों में थोड़ा सा कड़वाहट उत्पन्न होती है, प्यार से समझाइएगा। प्यार से समझाने से उसकी समझ में भी आएगा, डांटने से संबंध बनेंगे नहीं, संबंध बिगड़ेंगे, इस बात को आप ध्यान रखना। भविष्य में उसके प्रति आपके अंदर आस्था होनी चाहिए, और बहू को जब आप प्रेम से समझाएंगे तो बहू के मन के अंदर भी आपके प्रति आस्था उत्पन्न होगी, आपके प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, ये आप जब प्रेम से समझाएंगे। किसी के सामने, मान लीजिए परिवार के बहुत से सदस्य बैठे हुए हैं, सासें बैठी हुई हैं या जेठानियाँ बैठी हुई हैं, और नवविवाहिता ने कोई ऐसी गलती कर दी, तो आप सास हैं, आपको चाहिए कि नवविवाहिता को बड़े आराम से आप समझाएं, जो बहू ब्याह करके हम घर में लाए हैं उसको बड़े सुंदर ढंग से समझाएं, और जिस तरह से आपकी बेटी है इसी तरह से आप उसको भी अपनी बेटी बना करके रखेंगे, तो ध्यान रखिएगा जीवन में कभी भी गलत स्थितियों का, गलत तरह के भावों का, गलत तरह के विचारों का आपके घर में प्रवेश नहीं होगा। इस बात को बड़ी ध्यान लगा करके हमारी सुनिएगा। बहू को किसी के सामने भी डांटना, फटकारना, उसको कुछ कहना, ये सारी बातें आपको नहीं कहनी चाहिए। अकेले में उसको आप समझाइएगा। अगर आप सास हैं, इन नियमों का पालन करते हैं, तो निसंदेह ही आपकी बहू आपके लिए बेटी के रूप में है, और बेटी की तरह आपकी सेवा करेगी। उसके दो दिन भी पीहर जाने पर आप अपने आप को कष्टमय महसूस करेंगे। ऐसी मंगल कामना के साथ फिर मिलते हैं मित्रों एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगी।